नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। पूरा देश सरकार से बदले की अपील कर रहा है। आम जनता के अलावा बॉलीवुड सितारों ने भी आतंकी हमले की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा की है। इस हमले से अजय देवगन इतने आहत हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक एक्शन लिया है। जी हाँ, अजय देवगन एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो एक्शन लिया है वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है और लोग अजय देवगन के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अजय देवगन ने एक्शन क्या लिया है। दरअसल अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल 22 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म अब पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी और इस बात की जानकारी खुद अजय देवगन ने एक पोस्ट के जरिए दी है। पोस्ट में अजय देवगन ने लिखा है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए टोटल धमाल की टीम ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। अजय देवगन के इस फैसले से लोग बेहद खुश हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ट्विटर पर लोगों ने लिखा है कि सर, वाकई में बहुत अच्छा है, आप पर और आपकी टीम पर गर्व है और मैं इस फिल्म को देखने जरूर जाऊंगा। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि सर, फैसले के लिए शुक्रिया। जबकि कई सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा है कि सर, मैं आपका फैन नहीं हूं, लेकिन इस फैसले के बाद मैं आपकी फिल्म जरूर देखूंगा। जी हां, ट्विटर पर कुछ इस तरीके से अजय देवगन को रिएक्शन मिल रहा है और इसके पीछे वजह है टोटल धमाल की टीम का वो फैसला जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे। लेकिन अजय देवगन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी टीम ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं होगी, लेकिन फिल्म को नुकसान हो सकता है, लेकिन अजय देवगन और उनकी टीम ने नुकसान की परवाह किए बगैर बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि वो फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान के मुंह पर भी एक तमाचा है। जहां पाकिस्तान बाकी बॉलीवुड कलाकारों की फिल्मों को बैन कर रहा है, वहीं बॉलीवुड के कलाकार अजय देवगन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।